सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा है, हाँ जाना कुलहंस हो ताते कीन्हा संग, जो जानत बगुबावरा छुए न देत्यो अंग। मैं जानता हूँ कि तुम हंस कुल के हो, इसलिए तुम्हें अपने संग साथ लिया। यदि मैं ये जानता कि तुम मूल रूप से बगुला हो, छटकपट करने वाले हो, तो तुम्हें अपने पास भी आने नहीं देता। सद्गुरु कबीर को हंस शब्द बहुत प्यारा है। वैदिक साहित्यों में भी अनेक जगह हंस शब्द का प्रयोग किया गया है। पक्षियों का राजा तो माना जाता है गरुड़ को, लेकिन प्रायः गरुड़ को उदाहरण नहीं दिया जाता, उदाहरण दिया जाता है हंस का। हंस सफेद पक्षी, बाहर जैसा उसका उज्ज्वल रंग है, भीतर वैसे ही उसका उज्ज्वल गुण है। हंस के लिए कहा जाता है कि वह निरक्षर विवेक करता है, मोती चुगता है और मानसरोवर में निवास करता है। दूध पानी एक में मिले हों तो हंस दूध लेकर पानी को छोड़ देता है, और मोती चुगता है और मानसरोवर झील बहुत ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है, उसमें निवास करता है। इस हंस का उदाहरण मनुष्य के लिए दिया गया। मनुष्य के पास स्वाभाविक रूप से निरक्षर विवेक की शक्ति है। शुद्ध बुद्ध है मनुष्य। सद्गुरु कबीर जब हंस का उदाहरण देते हैं तो उदाहरण उनका हंस का होता है, लेकिन निर्देश मनुष्यों के लिए होता है। मनुष्य हंस है, स्वाभाविक रूप से उसके पास निरक्षर विवेक की शक्ति है। सार असार, सांझ झूठ, जड़ चेतन, बंधन मोक्ष को परखने की शक्ति मानव मात्र के पास है, और मनुष्य अपने आप का पूर्ण सुधार कर सकता है। प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी भगवत्ता को हासिल कर सकता है और उसमें स्थित हो सकता है। मानवेतर प्राणियों में यह शक्ति नहीं है, क्योंकि उनमें मन का विकास नहीं है। मानवेतर प्राणियों के पास भी मन है, वे भी कुछ
सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। किसी बात पर गहराई से मनन करना, चिंतन करना, यह शक्ति मान्यतर प्राणियों में नहीं है। मन का पूरा विकास मनुष्य शरीर में हुआ है और इस मन के कारण ही इस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण। मनन किसी बात पर सही ढंग से सोचना, नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों बात पर सही ढंग से चिंतन, गहराई से चिंतन कर लेना, ये मनन है। सुन लेने मात्र से बोध नहीं होता है। सुन लेने मात्र से किसी विषय का गहराई से ज्ञान नहीं होता और कोई बात हृदय में अंकित नहीं होती है। उसके लिए तो मनन करना पड़ता है। जिस बात का आप बराबर मनन करते रहें, वो बात आपके दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी, भूलेगी नहीं। और किसी भी विषय पर आप मनन करते जाएं, तो उस विषय का सर्वांग ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए मनन का बहुत महत्व है। मनन को हम चिंतन भी कर सकते हैं। तो मनुष्य हंस है, लेकिन अपने हंसत्व को यह भूल गया है, इसलिए वह गंदी जगहों पर अपनी चोंच मार रहा है, अपने मन को लगा रहा है, भटका रहा है। ये कहा गया कि हंस निरछिर विवेक करता है। मनुष्य को चाहिए कि निरछिर विवेक करे। निरछिर विवेक करना सत्य और असत्य की पहचान करना, अपने और पराए की पहचान करना, सार असार को समझना, किसी बात को आंख मूंद करके न मानना। विवेक करें, सच लगे तो माने, झूठ लगे तो छोड़ दें। सदगुरु कबीर ने स्वयं अपने लिए कहा है, साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचार। मेरे जो शब्द हैं वे सत्य के परिचायक हैं। सदगुरु कबीर ने सत्य का मंडन किया, सत्य का निरूपण किया। वे कहते हैं, मैं सत्य का संदेश दे रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने से मानो मत। हृदय देख विचार, हृदय में विचार करके देखो कि मेरी बात सच है या नहीं है। सच लगे तो मान लेना, सच न लगे तो छोड़ देना। कहीं भी सदगुरु कबीर अपनी बात को मनवाने के लिए जोर नहीं देते। कहते देखो विचारो, सही लगे तो लेना, ना सही लगे तो सुनो और छोड़ दो। निष्पक्ष ज्ञान चाहिए तो यही रास्ता है। श्रद्धा पूर्वक हम सब की बातों को पढ़ें, सुने और पढ़ सुन करके मनन करें, चिंतन करें।
उसमें जो सच लगे उसको छोड़ दें, सच न सच लगे उसको ग्रहण कर लें, सच न लगे उसको छोड़ दें। लेकिन इतने में ही नहीं, खाली वाणी के लिए नहीं, जो आप कर्म कर रहे हो करने के पहले विचार लो कि करना उचित है या नहीं है। किसी काम को जोश में मत करो, किसी काम को देखा देखी मत करो। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मत करो, स्वयं देखो कि ये काम सही है या नहीं है, मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर है या नहीं है। किसी भी काम को करने के पहले यदि आदमी विचार कर ले तो गलत काम नहीं कर पाएगा। विचार कैसे करें? आदमी काम तो करता है विचार करके ही करता है। किसी आदमी से पूछो कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये विचार कर रहे हो या बिना विचारे कर रहे हो? कोई कहेगा कि मैं बिना विचारे करता हूँ, कहेगा भैया विचार कर रहा हूँ। लेकिन विचारने का अर्थ क्या है? कैसे हम समझें कि हमारे कर्म जो हम काम कर रहे हैं उचित है? हर आदमी कहता है कि मेरा काम उचित है, मैं उचित करता ही नहीं हूँ। किसी से पूछकर देख लो तुम सही कर रहे हो गलत, कोई कहेगा कि गलत कर रहा हूँ? हर आदमी कहेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन हमारा करना सही है इसकी पहचान क्या है, कसौटी क्या है? एक कसौटी, जो काम मैं करने जा रहा हूँ यही काम यदि दूसरा आदमी करे तो उसे देख करके मुझे कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा या गलत लगेगा? यदि ये लगता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ यही काम मेरा पिता, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी अन्य लोग करेंगे, काम को देख करके मेरा मन खुश हो जाएगा, तो निश्चित होकर के आप वह काम कर लो, वो काम बढ़िया होगा। और यदि आपको यह लगता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ यही काम यदि दूसरा आदमी करता है, मेरे परिवार के सदस्य या मेरा पड़ोसी या अन्य, तो उसको देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुख होगा, समझना आपका काम गलत है। मात्र एक कसौटी में कसें अपने को, जो भी करना हो करें, बेधड़क करें, लेकिन इस कसौटी में कस लें, यदि लगता है ये काम दूसरे लोग कर यदि करते हैं और देखकर मेरा मन खुश होता है, निश्चित करो उसको, और लगता है देखकर कि मेरा मन दुखी होगा तो कभी मत करो। यदि एक शराबी शराब पीते वक्त ये सोच ले यदि मेरा बेटा शराब पीने लगे उसे देख करके मैं खुश हो पाऊंगा कहीं, तो शराब छूट जाएगी उसकी। कोई शराबी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी शराबी बने। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी बने, सही अर्थों में मेरा उत्तराधिकारी बने। हर आदमी चाहता है जो मेरे पास है मेरा बेटा उसका उत्तराधिकारी बने। कोई शराबी है, शराब पीता है, उसको देख करके उसका बेटा भी शराब पीने लग गया, क्या शराबी आदमी कहेगा कि बेटा मुझे बड़ी चिंता थी कि मैं शराब पीता हूँ, मेरे बाद मेरा कौन बेटा शराब पिएगा, तूने शुरू किया, बहुत खुश हो गया, तू मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है?
कोई नहीं चाहेगा। ऐसे हर काम के लिए आप सोच लो, तब आप हंस हो, नहीं तो बगुला। आप हो, हम हो, सब निर्छिर विवेक करने का अर्थ क्या है? खाली किताब में लिखी बातों पर थोड़े, वहां तो करना ही है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, सब में निर्छिर विवेक करना है, सब में। तब हंस हंस मोती चुगता है। अब हंस मोती चुगता है या नहीं चुगता है, मोती इतने अधिक कहाँ बिखरे पड़े हैं कि हंस मोती चुगे। हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो, हमारा अपना अनुभव नहीं है, हमने देखा नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कहावत है कि हंस मोती चुगता है। हंस चुगता हो या न चुगता हो, मनुष्य मोती चुगने वाला हो सकता है। मोती क्या है? ज्ञान के मोती चुगे, सद्गुणों के मोती चुगे, सदाचार के मोती चुगे, यही मोती है। ये बाहरी जो मोती हैं, अंत में है क्या? पत्थर, जड़। उसे आपको क्या मिल जाएगा? उसे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा? लेकिन आप हम जहाँ जाएं, ज्ञान के मोती चुगें, अच्छाई के मोती चुगें, सद्गुण सदाचार के मोती चुगें, शुभ कर्मों के मोती चुगें, देखें हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। सभी लोग, जितने मनुष्य हैं, जैसा वो हंस है, अपने हंस तत्व को पहचान ले और सब जगह से मोती चुगना ही शुरू करें, ज्ञान विवेक विचार दया क्षमा सत्य प्रेम समता एकता के मोती, यही तो मोती है, असली मोती यही है। बाहर का जो है वो तो दिखावा, पत्थर। एक संत थे, बड़े अच्छे संत, त्यागी निष्प्रिय, बड़ी प्रसिद्धि थी। एक बार एक राजा की रानी ने उन्हें आमंत्रित किया भोजन के लिए। संत पहुंच गए, भोजन करने के लिए बैठे, तो रानी ने रत्न जटित थाल, सोने की थाल जिसमें हीरे पन्ने सब जड़े हुए थे जगह जगह, उस थाली में उस संत को भोजन परोसा। और रानी कहती है कि भगवान, आप पहली बार मेरे राजमहल में पधारे हैं, ये जो थाल में जिसमें मैंने आपको भोजन परोस कर दी है, ये थाल मैं आपको ही अर्पित करती हूँ। रानी सोची होगी तो साधु है, कहेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं क्या करूँगा। कई लोग दिखावा के लिए कहते हैं, साहब मैं आपको दे रहा हूँ, अब साहब ले लेंगे ना तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो रानी ने कहा, जिस थाल में आप भोजन कर रहे हैं इसको मैं आपको ही अर्पित कर दिया। संत ने कहा कोई बात नहीं, संत खाए उठा करके चल दिए थाली। रानी बहुत दुखी हुई, तो गड़बड़ हो गया मामला। तो संत उसी थाल को लेकर भिक्षा मांगने लग गए, जादू भिक्षा मांगते थे, खाते थे, उस थाल को लेकर भिक्षा मांगने लगे। एक चोर ने देखा, अरे इसके पास तो सोने की थाल, उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, संग का क्या काम है, तो मुझे मिलना चाहिए। चोर पीछे लग गया, संत समझ गए, भिक्षा मांग करके अपनी कुटी में गए, जहाँ जंगल में कुटी बनी थी वहाँ पर। संत पीछे पीछे आने, चोर पीछे पीछे आने लगा, संत समझ गए कि ये इसके लिए आ रहा है। संत अपनी कुटिया में चले गए,
फाटक बंद कर लिए, चोर बाहर खड़ा रहा। अभी जब संत सो जाएंगे, आराम करने लगेंगे, तब घोर से थाली ले लाऊंगा। लेकिन संत ने क्या किया, जो जंगला था उस जंगला में से थाली को नीचे गिरा दिया। जब थाली को नीचे, थाली को गिरा दिया नीचे, चोर ने देखा, कहा अरे मैं तो चोरी करने के लिए आया था, संत अपने आप गिरा दिए, क्या बात है। इसका मतलब संत के पास कोई ऐसी और चीज़ होगी जो इससे भी महत्वपूर्ण होगी। यदि ये, यदि संत इसे कीमती समझते, मूल्यवान समझते, तो इतनी जल्दी से फेंकते क्यों। इसका मतलब निश्चित है उनके पास कोई और मूल्यवान चीज़ होगी। दरवाज़ा खटखटाए, संत ने खोला और कहा, भगवान मैं थाली चुराने के लिए आया था, लेकिन आपने ऐसा फेंक दिया जैसे मिट्टी का की थाली फेंक लोग फेंक देते हैं, आपने ऐसा फेंक दिया। इसका मतलब ये मूल्यवान नहीं है, इससे भी कोई मूल्यवान आप चीज़ आपके पास है, मुझे वो दीजिए। फिर संत ने अपना ज्ञान दिया, उस चोर भी संत ही बन गया। ज्ञान अधिक मूल्यवान है, सोना अधिक मूल्यवान नहीं है। सोना बटोर बटोर करके क्या करोगे, कौन सा लाभ हो जाएगा आपका। ज्ञान का सोना बटोरे, ज्ञान का धन बटोरे, ये मानव जीवन ये कंकड़ पत्थर बटोरने के लिए नहीं मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य, आदमी हंस होते हुए भी अपने हंसत्व को भूल गया और कंकड़ पत्थर बटोरने में लग गया। सदगुरु कबीर ने कहा है, रतन अड़ाई ने रेत में कंकड़ चुन चुने खाए। कोई हंस हो, चोंच में रत्न लिया हुआ है, मोती लिया हुआ है, उसको तो डाल दिया बाहर, और कंकड़ को चुन चुन करके खाने लगा, तो ये तो हंस का दुर्भाग्य। क्या हम लोग यही नहीं कर रहे हैं। ज्ञान को, विवेक को, विचार को, संयम को, साधना को, दया को, प्रेम को छोड़ दिए, और बैर को, विरोध को, लोभ को, मोह को, दोष को, दुर्गुणों को, बुराइयों को चुन चुन करके ग्रहण कर रहे हैं। सोचें, दूसरा क्या कर रहा, ये नहीं, अपने अंतःकरण में विचार कर देखें, झांक करके देखें। जीवन का इतने दिन जो बीत गए, इतनी अवधि जो बीत गई, इस अवधि में मैंने कितना सही ज्ञान इकट्ठा किया, कितना विवेक, कितना विचार, कितना संयम साधना का धन इकट्ठा किया, या ये धन इकट्ठा किया, या बैर विरोध कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा दोष दुर्गुण को बटोरा। क्या हम हंस हैं। हंस तो हैं, भूल गए हैं अपने हंसत्व को। कबीर साहब की इस पंक्ति, रतन अड़ाई ने रेत में कंकड़ चुने चुने खाए, हम लोगों के लिए कड़ी मार है, व्यंग है। लेकिन हम लोग तो ऐसे गधे बन गए हैं कि चार डंडा खाओ तो भी कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुधार नहीं होता। गधे को डंडा मारो, बस दो बार चिल्लाएगा, बस अपने आप खत्म, वही को वही। जैसे कुत्ता है, किसी घर में घुसा, बर्तन में मुंह मारा, घर मालिक देखता है, डंडा से मारता है, कुत्ता पे पे करके भागता है, लेकिन एक घर से निकला दूसरा घर में फिर घुस जाए, वो भूल गया वो डंडा खाना। हम लोग भी वैसे बन गए हैं बिल्कुल। हजार बार चोट खाते हैं, हजार बार ठोकर लगती है, लेकिन ठोकर खाए बस फिर भूल गए। कहाँ हंस हैं हम। साहब कहते हैं, हाँ जाना कुल हंस हो, मैं जानता हूँ तुम हंस कुल के हो, इसीलिए तुम्हें अपने साथ लिया। यदि संत सदगुरु गुरुजन हमें बगुला समझते, कपटी समझते, तो हमें अपने साथ लेते क्यों। वे जानते हैं कि मनुष्य है, मुमुक्षु है, सुधर सकता है, इसलिए साथ में लिए। लेकिन हम जिंदगी भर बगुला ही बने रह जाते हैं।
छल कपट दुराव छिपाव कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि और बिगड़ते चले गए, कपट बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, बेईमानी सीखते चले गए, उम्र बढ़ती गई छल कपट बढ़ाते चले गए, धोखाधड़ी बढ़ाते चले गए। साहब कहते इसलिए कहते हैं, जो जानत बगुबावड़ा छुए न देते वन, यदि समझता तुम बगुला हो तो तुम्हारे पास आने भी नहीं देता। सोचे हम अपने लिए, संतों ने गुरुजनों ने क्या आशा रख करके हमें अपनी शरण में लगाया, समझाया, ज्ञान दिया, क्या गर्ज थी उनकी। किसी गुरु ने हमें बुलाया है क्या, बेटा तुम आ जा मेरे पास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हमारी गरज थी, हमें ज़रूरत थी तो हम गए, लेकिन सीखा क्या वहाँ जाकर, पाया क्या वहाँ जाकर, बटोरा क्या वहाँ जाकर। गंभीरता से सोचने की बात है। गुरु तो समझे कि यह हंस है और हम हैं भीतर बाहर से बगुला, बाहर हंस भीतर बगुला। सत्संग करते सुनते भक्ति करते साधना करते इतने दिन बीत गए, कितना परिवर्तन आया जीवन में। बाहर हंस भीतर बगुला है या नहीं है, गंभीरता से ये बात विचारने लायक है। बाहर हमने क्या बटोरा, कितना आपने मकान बनाया, ये हुआ कोई मतलब नहीं। होता क्या है, जब छोटे बच्चे थे तब लोभ में पड़ जाते थे, खिलौना देखे मोह आ गए, बड़े हो गए तभी भी लोभ घटा नहीं। छोटे बच्चे थे, खिलौना माता पिता ने दे दिया, खेलने लग गए, क्यों और खिलौना न देखा, उसके लिए मन लचा। छोटे बच्चे थे, एक नहीं दो खिलौना चाहिए, ठीक है। बड़े हो गए तब एक मकान नहीं चार मकान चाहिए, बस लोग तो वही है ना। पहले खिलौना मस्त होते थे, अब मकान में मस्त हो रहे हैं। छोटे बच्चे थे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू मिल गए, अब खुश। अब बड़े हो गए, जवान हो गए, अब एक दुकान नहीं चार दुकान चाहिए। अंतर कहाँ हुआ है, परिवर्तन कहाँ हुआ है। घर में थे तो एक मकान बना लिए, अच्छा हो गया। मकान छोटा है, पैसा आया, बड़ा मकान बना लिया, दो तल्ले का मकान बना लिया, पांच कमरे दस कमरे का मकान बना लिया, साधु हो गया, चार आश्रम बना लिए, बात तो वही की वही हो गई। आप गृहस्थ हैं, पहले छोटे मकान में रहते थे, अब मकान बड़ा बना लिए, दस कमरा हो गया। हम साधु हैं, आश्रम बड़ा बना लिए, बीस कमरे हो गए। आप में हमें फर्क कहाँ हुआ, फिर परिवर्तन कहाँ हुआ, क्या बदला हुआ। आप बड़े मकान बना लिए तो आप सफल नहीं हो गए, साधु बड़ा आश्रम बना लिया तो साधु सफल नहीं हो गया। यदि कोई साधु समझता है कि मैंने इतने कमरे से आश्रम शुरू किया, अब मैं अपने बलबूते पर दस कमरे बना सफल हो गया, सफल नहीं हो गए, डूब गए। सफल तब होते जब वैराग बढ़ता, सफल तब होते जब साधना बढ़ती, सफल तब होते जब अंतर्मुखता बढ़ती, सफल तब होते जब शांति बढ़ती। ये साधु की बात नहीं है, गृहस्थों की भी बात है, मैं किसी एक के लिए नहीं कर रहा हूँ। हम सब मनुष्य हैं ना, हमारी चाहे साधु हो चाहे मनुष्य, सबकी आवश्यकता एक जैसी है। ये तो साधु गृहस्थ तो रास्ते हैं, कोई किसी मार्ग में चल रहा है, कोई किसी मार्ग में चल रहा है, और उसमें भी कह सकते हैं साधु आगे चलने वाला है, गृहस्थ पीछे चलने वाला है। लेकिन अगवा भूला बन खंडा, आगे चलने वाला रास्ता भूल गया तो पीछे चलने वाला क्या दशा होगी, वो तो और भूलेगा। हंस हैं या बगुला हैं सोचना होगा। बाहर हंस भीतर बगुला, ये काम नहीं बनने वाला है। अपने हंसत्व को पहचाने,
हम तो मोती चुगता है, मोती चुगना होगा हमें, ज्ञान का मोती, सद्गुणों का मोती, ये मानव जीवन उसी के लिए मिला हुआ है। लेकिन सद्गुरु कबीर ने कहा है, हंसा के घर भीतरे बसे सरोवर खोट। हंस जो मानसरोवर में रहता है, उसके मन में गंदी वासना आ गई, गंदे विचार आ गए। अब मैं जो हंस है, ये मानसरोवर है जो स्वच्छ है, इसमें निवास नहीं करूँगा, मैं तो गंदे सरोवर में जहाँ गंदा पानी है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, वहाँ जा कर के रहूँगा। मनुष्य जो हंस है, स्वच्छ अंतःकरण वाला, शुद्ध स्वरूप वाला, उसके मन में गंदी वासना आ गई। अब बते सरोवर खूब गंदे सरोवर में कुसंग में निवास करने लग गया, दुर्गुणियों के बीच रहने लगा, विषय वासना को अपना स्थान बना लिया, कितना दुर्भाग्य। मानसरोवर स्वच्छ झील, झील तो बहुत है, लेकिन मानसरोवर जैसी झील दुनिया में और कोई नहीं है, स्वच्छ साफ, वो तो बाहर की बात है। हंस मानसरोवर में रहते हैं, आप हम हंस हैं, हमारा मानसरोवर क्या है, मनुष्य का जो हंस है उसका मानसरोवर क्या है? एक बाहर का मानसरोवर और एक भीतर का मानसरोवर। बाहर का मानसरोवर साधु संगति सत्संग, जहाँ हमें ज्ञान के सद्गुण के मोती चुगने को मिलते हैं। साधु संगत और सत्संग को छोड़ करके आपको ज्ञान के मोती कहीं मिलना नहीं है। इसलिए गंदा सरोवर जो कुसंगी लोग हैं, प्रपंची लोग हैं, दुर्गुणी लोग हैं, उनकी संगत छोड़ करके सदैव साधु संगति करें, सत्संग में निवास करें। जहाँ भी ज्ञान की चर्चा होती हो, प्रेम की समता की चर्चा होती हो, विवेक विचार की चर्चा होती हो, वो सत्संग है, चाहे वो गृहस्थ कर रहे हों, चाहे साधु वेशधारी कर रहे हों। और जहाँ प्रपंच की चर्चा कर रहे हों, चाहे कोई भी हो, वो गंदा सरोवर है। इसलिए प्रपंच चर्चा ना करें, न प्रपंच में स्वयं पढ़ें, न औरों को पढ़ने दें, रोकें। तो बाहर का मानसरोवर हमारा साधु संगति सत्संग, जहाँ हमें ज्ञान विवेक विचार संयम साधना सदाचार के मोती चुनने को मिलते हैं। भीतर का मानसरोवर निर्मल मन, स्वच्छ अंतःकरण। स्वच्छ अंतःकरण के समान स्वच्छ झील दुनिया में और कोई कहीं नहीं है। लेकिन अंतःकरण बना हुआ है दूषित, हमने उसको भी गंदा बना लिया है, क्योंकि हमारा मन गंदा बन गया है। और गंदे अंतःकरण वाला व्यक्ति कल्याण का अनुभव कैसे करेगा, परमात्मत्व का अनुभव कैसे करेगा? कितने लोग शिकायत करते हैं, महाराज बहुत दिन बीत गए ऐसा ऐसा करते करते, शांति नहीं मिलती, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, आपने बहुत किया बहुत किया, बहुत पूजा, बहुत पाठ, बहुत नाम जप, बहुत सेवा सत्कार, बहुत दान पुण्य किया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन अपने मन को, अंतःकरण को निर्मल किया है या नहीं किया, उसको उसके लिए प्रयत्न किया है या नहीं किया है, ये हम सबको भी को विचारनी है। बाहर आकर सत्संग में बैठ गए, इतने मात्र हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। मकान गंदा हो चलेगा, कपड़े गंदे हो चलेगा, शरीर गंदा हो चलेगा, हर चीज़ गंदी हो चलेगी, लेकिन मन गंदा हो तब नहीं चलेगा। मन को निर्मल करने का काम हमने कितना किया। सद्गुरु कबीर ने अपने एक पद में कहा है,
पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल का आया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। पानी ले ले करके, साबुन ले ले करके, मल मल करके, रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो, कभी मन को भी रगड़ने का धोने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि साहब ये नहीं कहते कि साबुन पानी का प्रयोग मत करो, शरीर को रगड़ करके धो मत, जितना आप धो सकते हैं धोएं, लेकिन शरीर को धोने के साथ साथ मन को भी धोते हैं या नहीं धोते हैं? हर आदमी रोज स्नान करता है, और कितने लोग एक बार नहीं दो बार स्नान करते हैं। जब स्नान करने बैठें, नहाने जब जाएं, यदि आप अपने बाथरूम में नहाने नहाते हैं, नल के नीचे बैठ कर या बाल्टी पानी लेकर के, जब नहा रहे हों उस समय सोचें कि मैं रोज नहाता हूँ, शरीर को रोज धोता हूँ, क्या कभी मैं अपने मन को भी धोता हूँ? जैसे शरीर को धो रहा हूँ, ऐसे अपने मन को धोने के लिए कितना काम मैंने किया। शरीर गर्म हो चुका है, पानी डाल करके ठंडा कर रहा हूँ, जब आप लोटा उठाएं या मग्गा उठाएं और मग्गा में पानी भर करके, लोटा में पानी भर करके अपने सिर पर डालें, सोचें कि क्या मैं अपने मन पर भी पानी डाल रहा हूँ, ज्ञान का पानी, विवेक का पानी। रोज ये चिंतन करते तो चले जाएं, नहाते समय धीरे धीरे प्रेरणा मिलेगी, धीरे धीरे जागृति आएगी, और निश्चित ही मन को धोने के लिए भी लिए आप हम काम करना शुरू कर देंगे। तालाब में नहाने गए, नदी में, नहर में नहाने गए, डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाते समय सोचे जैसे मैं तालाब में नदी में डुबकी लगा रहा हूँ, क्या ऐसे ही सत्संग में डुबकी लगा करके अपने शरीर को धोता, मन को धोता हूँ? वहाँ सोचें, निश्चित ही डुबकी लगाएं, तालाब में, नदी में, जहाँ डुबकी लगाते हैं वहाँ डुबकी लगाएं, लेकिन मन को कहाँ डुबकी लगा सकते हैं ये भी सोचना होगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। तो पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोए, साबुन पानी लेकर मल मल करके हम काया को धो रहे हैं, लेकिन अंतर्घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए? जब तक अंतर्घट का, मन का दाग नहीं छूटेगा, जीवन में निर्मलता कैसे आएगी? मैत्रेय उपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र कहा गया है, चार बातें उसमें बताई गई है, लेकिन अंतिम में यही बात है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ध्यानम निर्विषयम मन, शौचात इंद्रिय निग्रह, स्नान मनोमलम त्यागम। ज्ञान क्या है? अभेद दर्शन। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। शौच पवित्रता क्या है? इंद्रियों पर संयम। और स्नान क्या है? मनोमलम त्यागम, मन के मैल का त्याग कर देना, ये असली स्नान करना है। स्नान करते करते जिंदगी बीती जा रही है, मन का मैल धुलता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, अकेले में बैठ करके सोचना होगा। यदि ऐसा हम सोचते हैं तब तो हम हंस हैं, हंसत्व का उजागरण हो रहा है, हंसत्व जीवन में घटित हो रहा है। अब हो क्या रहा है? उम्र बीतती जा रही है और धीरे धीरे मन उसी हिसाब से और गंदा होता चला जा रहा है। प्रश्न आप कर सकते हैं, साहब बाहर तो पानी हम देखते हैं शरीर को धोने के लिए, बाहर बहुत प्रकार के साबुन हैं, उन साबुन का प्रयोग हम करते हैं शरीर धोने के लिए, मन को धोने के लिए कौन साबुन पानी का प्रयोग करें? ऐसा कोई साबुन पानी तो है नहीं,
कि अब कोई पानी हम लगा लें इसमें मन को पर डाल दें तो मन साफ हो जाएगा, कोई साबुन लगा लें मन साफ हो जाएगा। शरीर को धोने के लिए हमें दिखाई पड़ता है, मन को धोने के लिए कौन साबुन पानी का प्रयोग करें? सद्गुरु कबीर ने उसके लिए भी रास्ता बता दिया है। सद्गुरु कबीर की वाणी तो ऐसी ही हर जगह हमारा मार्गदर्शन करती है बस, लेकिन हम जब अध्ययन करें मनन करें तब। कितने तो हैं अपने को कहते जरूर कबीरपंथी हैं लेकिन कबीर साहब वाणी पढ़ते ही नहीं है। वही बात याद आ गई, इसी छत्तीसगढ़ में गुरुजी ने एक भगत से पूछा था, पुराने भगत थे, सत्संगी थे, बराबर सत्संग में आते थे, समझदार भी थे। गुरुजी ने पूछा, भगत जी ग्रंथ पढ़ते हो? हाँ साहेब, पठेरम माढ़े हैं। गुरुजी पूछ क्या रहे हैं? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हो कहते हैं पठेरम माढ़े हैं साहेब। तो माढ़े रहने से काम बनेगा क्या? उसे काम नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना कि सद्गुरु ने क्या कहा है। तो बाहर हम पानी और साबुन का प्रयोग करते हैं शरीर धोने के लिए, मन को धोने के लिए कौन साबुन पानी है? मन का दाग किस साबुन पानी से छूटेगा? सद्गुरु के भी रास्ता बताते हैं, ज्ञान का साबुन लान धोयो सत्संगत का पानी। ज्ञान का साबुन और सत्संग विचार का पानी, ज्ञान का साबुन और विचार का जल लेकर के मन को धोना होगा, और कोई साधन नहीं है। लेकिन न हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं न विचार का प्रयोग करते हैं। विचार का प्रयोग करेंगे तो गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत करेंगे। एक विचार का प्रयोग कर लें तो जीवन से दुख खत्म, करो विचार जो सब दुख जाई। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि विचार करो तो सब दुख खत्म हो जाएगा। विचार द्वारा ही मन का मैल धुलेगा। मैं कह रहा था जैसे हंस मानसरोवर में निवास करता है, ऐसे ही हमारा मानसरोवर क्या है? निर्मल अंतःकरण, निर्मल मन। यदि हमारा मन निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है, तो हंसत जीवन में उद्घाटित हो रहा है। नहीं तो हम सब के सब बाहर से हंस और भीतर से बगुला, बाहर कुछ और भीतर कुछ। देखो ना बगुला को, किसी जलाशय के निकट बैठा रहता है और कई बार एक टांग उठा लेगा, एक पैर के बल खड़ा रहेगा, आंखें भी मूंद लेगा, लगेगा कि महाध्यानी है। लेकिन सब क्यों करता है? मछली मेढक पकड़ने के लिए करता है। ऐसे हम भी कहीं बग ध्यानी तो नहीं हैं? ये बग ध्यानी बनने से काम थोड़े बनेगा। हाँ जाना कुल हंस हो ताते किन्हा संग। सद्गुरु कबीर कहते मैं जानता हूँ हंस है, मानो मात्र हंस है, शुद्ध बुद्ध निर्मल। यदि हमारा कल्याण ना हो सकता तो संत गुरुजन उपदेश क्यों देते, इतनी मेहनत क्यों करते? उन्हें विश्वास है कि मनुष्य सुधर सकता, सुधरता मनुष्य ही सुधरता है। आप में पूरी शक्ति, पूरी शक्ति है। जिस दिशा में प्रेरणा दे आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रास्ता बदलना होगा। यदि आदमी गलत दिशा में शक्ति लगाता है तो गलत दिशा में चला जाएगा। शक्ति को उसी दिशा में लगा तो उसी दिशा में। वाल्मीकि जब रत्नाकर थे तो अपनी शक्ति को लगाए थे लूटने में, मारने में, लेकिन जब समझ हुई सप्तर्षि मिले तो शक्ति को लगा दिए त्याग में, तपस्या में, तो रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल महाहत्यारा थे,
बुद्ध की संगत मिले तो महाभिक्षु बन गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में आए, भिक्षु बने और भिक्षा लेने के लिए जब गए, हाथ में पात भिक्षा लेने के लिए निकले, लोगों ने कहा अरे ये तो अंगुलीमाल है,